हेलो गाइस, वेलकम टू डेकोरेटिव टाइल्स एंड मार्बल डिज़ाइन यूट्यूब चैनल में आज फिर हम आपका स्वागत करते हैं। आज फिर हम अपने चैनल पर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में नया डिज़ाइन है, तो ये डिज़ाइन किस तरह बनेगा ये वीडियो शुरू करते हैं। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप जो देख रहे हो ये हमारा फर्म है और इसको हमने कैसे यूज़ करना है। ये 30 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर की टाइल्स थी, इसको हमने सेंटर से हाफ़ किया है और अपना इसको फर्मा बनाया है। तो दोस्तों, इसको हमने यूज़ करना है अपने डिज़ाइन में। ये टाइल्स कटिंग के लिए हमने इसको यूज़ करना है और ये 7.5 सेंटीमीटर की है और इसको हमने 15 सेंटीमीटर × 15 सेंटीमीटर की कटिंग्स करनी है टाइल्स की। वाइट और ब्लू पीस इसको हमने 15 सेंटीमीटर कटिंग किया है, 15 सेंटीमीटर × 15 सेंटीमीटर, और इसको सेंटर से हाफ करना है। और सेम इसी तरह सभी पीसेज हमने जितने भी 15 सेंटीमीटर के हैं सब सेम साइज़ बनाना है और इनको सेंटर से हाफ़ करना है। और उसके बाद हम वाइट कलर के पीसेस लेंगे और इनको भी हमने सेम कटिंग करना है, 15 सेंटीमीटर × 15 सेंटीमीटर, और इसको भी सेम सेंटर से हाफ़ करना है इसी तरह जैसे कि हमने ब्लू पीस को सेंटर से हाफ़ किया है। तो आप आसानी से डिज़ाइन बना सकते हो और आप इसको किसी भी दो कलर में यूज़ कर सकते हो। तो ये भी हमने सेंटर से हाफ़ किया है इसी तरह जैसे कि और पीसेज हमने कटिंग किया है। और हमने अभी आपको बताया था कि इसकी जो चौड़ाई है वो 7.5 सेंटीमीटर की है और इस फर्मे को हमने यूज़ करना है। तो ये फर्मा हम यहाँ पर रखेंगे और इसकी कटिंग हम कैसे करेंगे हम आपको दिखाएँगे। तो ये कॉर्नर हमने कटिंग किया है। अभी उसके बाद जो है हम इसको दूसरी साइड से कटिंग करेंगे। यहाँ से इसको अभी हमने जो कॉर्नर कटिंग किया है अब ये हमारी 10 सेंटीमीटर बन जाती है यहाँ से। तो हमने मार्किंग करके 10 सेंटीमीटर को यहाँ से 10 सेंटीमीटर में मार्किंग करनी है, इसकी यहाँ से कटिंग करनी है और इसको इसी तरह फर्मा के अकॉर्डिंग कटिंग करनी है। जैसे कि हमने फर्मा रखा हुआ है और इसको हमने सेट किया है और यहाँ पर इसको हम सेम इसी तरह सभी पीसेस कटिंग करेंगे, ब्लू और वाइट सभी पीसेस सेम इसी तरह कटिंग करेंगे 10 सेंटीमीटर, और ये अभी दूसरी साइड से भी 10 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। तो आप इसको किचन में, बाथरूम में, फ्लोर में, वॉल में यूज़ कर सकते हो। ये डोरमेट डिज़ाइन है। आप इसको बॉर्डर में यूज़ कर सकते हो, आप इसको सेंटर में यूज़ कर सकते हो, आप इसको साइज़ में बड़ा या छोटा भी बना सकते हो। आप इसको मार्बल में भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको ग्रेनाइट में वॉल पे या फ्लोर पे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हमने आपको बताया आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, या वॉल या फ्लोर पर, और आप इसको बाथरूम में या आप इसको किचन में या रूम में, फ्लोर में, वॉल पे, या आप इसको लॉबी में आसानी से यूज़ कर सकते हो। आसानी से इसको अपने फेवरेट कलर में आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारी नई नई वीडियो देखते रहिए और हम आपके लिए नए नए डिज़ाइन बनाते रहेंगे। तो इसको भी हमने सेम इसी तरह कटिंग करना है जैसे कि हमने ब्लू पीस की कटिंग की थी। पहले कॉर्नर को कटिंग किया था यहाँ से और अब इसको जो है हमने आगे से कटिंग करना है सेम इसी तरह। 10 सेंटीमीटर पर हमने मार्किंग की थी और इसकी सेम इसी तरह कटिंग करनी है। तो ये भी सेम जैसे कि हमने ब्लू पीसेस कटिंग किए हैं तो सेम ये भी इसी तरह इसकी भी सेम लुकिंग आएगी और सेम कटिंग हो जाएगी। तो ये भी सभी पीसेस हमने इसी तरह कटिंग करने हैं वाइट कलर के, और आप ये आसानी से बना सकते हो। अगर आपको कोई इस डिज़ाइन में कोई चीज़ ना समझ आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि कोई चीज़ आपको ना पता हो, तो हम उसके लिए ज़रूर बताएंगे कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो और हम आपको उस चीज़ के बारे में बताएंगे कि ये किस तरह बनेगा। तो दोस्तों, इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन दबाइए, सबसे पहले हमारी वीडियो देख सकते हो। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये डिज़ाइन किस तरह बनेगा। बहुत ही आसानी से ये डिज़ाइन हम बना सकते हैं। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं ये हमने जो 15 सेंटीमीटर × 15 सेंटीमीटर की टाइल्स कटिंग की है, यहाँ पर जो है आप एक पीस के सामने दो पीस लगाओगे वाइट और ब्लू। तो इस तरह आप इसको आसानी से बना सकते हो।
और आप इसको साइज़ में बड़ा या छोटा भी बना सकते हो अपने एरिया के अकॉर्डिंग। थैंक यू दोस्तों।